पापा बड़े भैया आ गए। अच्छा मैं बात फोन करता हूँ। चाहे कोई भी आ जाए लेकिन मेरे बड़े बेटे की जगह कोई नहीं ले सकता। अरे रमेश आखिर तुम आ ही गए। इतनी ताकत मत लगाओ, अभी 2 हफ्ते बच्चे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता जिंदा रहूं या ना रहूं, तुम जो आ गए। भैया जूस लो ना। यहाँ आके तूने तो अपना धंधा भी चालू कर दिया। अरे ये कौन धक्का मार रहा है? भाई साहब ये मेरा भाई और ये उसकी दुल्हन। अभी शादी हुई है ना? नई शादी है इसलिए एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। दिख रहे हैं बिल्कुल चिपके हुए, आलम हो जाओ। अरे सुन सुन सुन, ये मेरा दोस्त सूर्य नार है, पहचाना ही नहीं? ये तो मर गए थे ना उस दिन। मेरे इस दोस्त ने एम्बुलेंस भेजकर मेरी जान बचा ली थी। किसी ने मुझे वो सलाह दी थी। एम्बुलेंस बुलाने की आइडिया मेरी ही थी। पापा, आरना के पापा और मम्मी। नमस्ते। चलिए सगाई का वक्त हो गया, आइए। हाँ इतनी दूर से आया हूँ तो अभी आना ही पड़ेगा मुझे। चलो रुक रहे, क्या तू भूल गया कि घर में कोई मरने वाला है? ये डेकोरेशन, ये सारी हंसी मजाक, दिखने में सारा अजीब लग रहा है। आप आ गए हैं ना, ना चाहते हुए भी याद दिलाते रहेंगे। अरे होनी को कौन टाल सकता है? हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी एंजल आना। आज मेरी सगाई होने वाली है। ये मेरी मंगेतर साई, से हाय। ये दवाई, मुझे दवाई की जरूरत। क्या आदमी है? अरे अरे रुको रुको, मैं भी आता हूँ। अच्छी आई है ना, बहुत अच्छी है। पापा क्या ये सचमुच आपका फाइनल स्टेज है? सेमीफाइनल। शायद इनको बुरा लगा। मेरा मतलब है कि पहली घंटी में फोन उठा लेना, सेल्फी लेना, अच्छे से खा भी रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो और दिखने में भी फूल की तरह एकदम खिले खिले लग रहे हो, है? वो कोई फिल्म है ना जिसमें एक्टर प्रकाश राज बोलता है कि वो मरने वाला है और ये बात सच समझकर सारे बच्चे उसके घर चले आते हैं। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि अपने घर में भी वही स्टोरी चल रही है ना पापा? मुझे अपने बच्चों को वापस बुलाने के लिए अपनी मौत का बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, आई समझा? पापा जस्ट किडिंग 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 जस्ट किडिंग। अरे ये ऐसा क्यों है? जो मन में आता है बक देता है, जो मन में आता है कर देता है। अरे इन्हें इतना भी कॉमन सेंस नहीं कि किसी को इनकी बात का बुरा लग सकता है। अरे वो ऐसा ही है, उसका दिल एकदम साफ है, उसको हर चीज में क्लैरिटी चाहिए। चलो मुहूर्त का समय हो गया है। अरे शगुन दो भाई। हाँ। देता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये लो। थैंक यू। हाँ सलाम। रुक जाओ रुक जाओ, कोई सेल्फी नहीं होगी यहाँ पर। मैं करता हूँ ना। रघु तू ठीक है ना? क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, आप ठीक तो हैं? इतने सारे रिश्तेदार, सारा परिवार है साथ और तू मेरे पास, इससे बेहतर समय क्या होगा आखिरी सांस लेने के लिए? दादाजी उठिए, दादाजी उठिए, उठिए दादाजी, दादाजी।
दादाजी उठिए। सर 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 आप आगे नहीं जा सकते, डॉक्टर अभी देख रहे हैं। ठीक है, यहीं रुकते हैं। भैया कहीं ऐसा तो नहीं है कि पापा ने सब हिस्सों को पहले से ही बांट दिया? क्या कहना चाह रहा है? मतलब 5 साल पहले पापा ने अपनी जमा पूंजी हम सब में बराबर बांटी थी, लेकिन अगर इन 5 सालों में उन्होंने कोई जमीन या प्लॉट खरीदा होगा तो विधियां खत्म होने के बाद आपस में बराबर बांट लेंगे। कहना ये था कि फिर से आना पड़ा तो प्लानिंग की ऐसे कि तैसे हो जाए। अरे ये सब बातें इधर करेगा तो लोग मेरे मुंह पर थूकेंगे। व्हाई? इट्स प्लानिंग, इट्स कॉल्ड। रुजा, नर्स आ रही है। नर्स, अब हालत कैसी है? वो मेरा मतलब चल बसे, बताओ ना कंफर्म क्या हो गया है, हम लोग मेंटली तैयार हो सकते हैं ना फिर। एंड व्हाई आर यू क्राइंग सिस्टर? वो मेरे पापा हैं, हमें रोना चाहिए। हे यू ऑल क्राई। सर सर बंद करो सर, ये कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई है, डॉक्टर अभी देख रहे हैं, उसके बाद रोइएगा। अंदर चलो, पट्टी बदलनी है। जब से यहाँ आए इंतजार ही कर रहे हैं हम लोग। बंद करो ये सब, अभी यहाँ कुछ नहीं हुआ है, शांत रहो तुम, शांत रहो। आप ऐसा क्यों कह रहे हो सर जी? आखिरी सांसें गिन रहे हैं और आप हमें रोने नहीं दे रहे। अच्छा, और तुम एम्बुलेंस में रोई थी उसका क्या? और वो तुम ही थी ना जो कह रही थी इनके मरने के बाद तुम शॉपिंग करोगी, मजे करोगी। ड्रामा बंद करो और पल्लू से मुंह छुपा लो। लगता है भाई साहब अमेरिका में रहकर मजाकिया हो गए। अरे पापा मरने वाले इस बात से तू दुखी नहीं है, बल्कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिले 13वीं के खाने का, इसलिए चुप रही हो रहा है तू। पापा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए। अरे आज चुप ही हूँ, तू अंदर जाके देख कितना टाइम बाकी है अभी। अरे तुझे क्या कॉमेडी लग रही है क्या सब? अबे तेरा बाप तो बहुत महान लगता है यार, उनमें थोड़ी सी भी समझ होती ना तो मेरी जिंदगी बहुत आसान होती। ये इस वक्त फोन क्यों कर रहा है? सर सर ये हॉस्पिटल है और ये आईसीयू है, पापा को यहीं भर्ती किया है हमने, और इस तरफ एग्जिट है। ए, हट जाओ सब, ये एग्जिट है सर, यहाँ से बॉडी बाहर ले जाते हैं। वो ठीक है सर, पर ये सब आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? नहीं नहीं, आपने जब पहले फोन किया था मैं ढंग से बात नहीं कर पाया था ना, आपको मेरा झूठ ना लगे इसलिए मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ सर। ऐसा कौन होगा जो अपने पापा के बारे में झूठ बोलेगा, खासकर आप जो अपने पापा से इतना प्यार करता है। बस सर, अच्छा लगा आपको मुझ पर भरोसा है। सर नर्स आ गई है, मैं बाद में बात करता हूँ सर। गॉड ब्लेस सर। क्यों क्या हुआ? सब खत्म हो गया सर, वो अब हमारे साथ नहीं रहे। रोना चालू करो, धीरे धीरे, हॉस्पिटल है, धीरे, तुम बाद में रोना। अरे बेवकूफ, मर्दों की तरफ जा कर रो। बस बस शांत हो जाइए। माय फादर जस्ट पास्ड अवे। तुम भी मैसेज भेज दो। नहीं भैया, मैं फोटो लूंगा, अच्छे से डिजाइन करूंगा, फिर ट्वीट करूंगा। सब आ रहा है, रिप्लाई भेजने वाले हैं और क्या। हेलो सर। क्या हुआ सर, मेरे फोन रखते ही आपने मैसेज कर दिया? आपके फोन और मेरे मैसेज के बीच में आकर नर्स ने बैड न्यूज दे दी सर। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी सर। वैसे बाकी सब लोग आ चुके हैं क्या? हाँ सर, सब बाजू में बैठ के रो रहे हैं, आप सुन रहे हो ना सर। क्या ये शादी हम 1 साल के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं? ओह हाँ, जैसा आप कहेंगे वैसा कर लेंगे, पहले आप और आपका परिवार इस दुख से बाहर आ जाए, फिर बात करते हैं सर। अरे प्रोजेक्ट सर, आई टोल्ड यू नॉट टू वरी, मैं पर्सनली इसका ध्यान रखूंगा। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। क्या भैया, लगता है आपने प्रोजेक्ट बचा ही लिया। अरे बैड न्यूज में कुछ गुड न्यूज मिल जाए तो क्या बुरा है। भैया पापा की मौत का आपको कुछ तो फायदा हुआ, पता नहीं मेरे लिए क्या छोड़ गए। ए, लगता है सिर्फ मुझे ही अकल है, मैं कम से कम सोच तो रहा हूँ, तुझसे तो नाटक भी नहीं हो रहा। आखिर तेरा कैरेक्टर क्या है? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं सिस्टर, कम से कम इन्फॉर्मेशन देने से पहले चेक तो करना चाहिए था। सॉरी सर, ये इसकी गलती है। हेलो हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी सॉरी, आपके पिताजी बिल्कुल ठीक है, डेथ उनके फादर की हुई है। क्या? अरे स्वामी फोन में क्या लगे हुए, पिताजी तुम्हारे गुजरे हैं और ये लोग रो रहे हैं। पापा, तेरे नहीं मेरे घर, पापा क्यों गए? मेरे पापा का क्या हुआ? How's he? He is absolutely fine, sir. आप सबको एक साथ देखकर excited हो गए और बेहोश हो गए। तुम्हें पक्का यकीन है तुम क्या कह रहे हो? हाँ सर,
आप लोगों को एक साथ देखकर वो इतने खुश हैं कि उनकी जिंदगी दो हफ्ते बढ़ गई। अच्छा, कुछ क्लैरिटी दो। समझाता हूँ सर, आज तक सुना था खुशी से बड़ी कोई दवा नहीं होती। आज मैंने देख भी लिया, वो आप सबके साथ में थोड़ा वक्त बिताना चाहते हैं। आप सबको एक साथ देखकर उनका दिल दो हफ्ते और जीना चाहता है। उनकी इच्छा पूरी हो रही है ना, हो गई क्लैरिटी? अरे वो पांच हफ्तों का क्या हुआ जो दो हफ्ते पहले बताए थे? सर सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बस हर चीज दो हफ्ते पीछे खींच लीजिए। हैं? तुमने तो बोला था छठे हफ्ते का कोई चांस ही नहीं है। अब उन्होंने मेडिकल साइंसेस को चुनौती दे दी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? हेलो सर, सॉरी टू बॉदर यू अगेन, मैं आपको बताना ही भूल गया। मैं कहना चाहता हूँ कि इस दुख की घड़ी में मैं आप और आपके परिवार के साथ खड़ा हूँ। उनको बताऊं कि नहीं, चलो बता ही देते हैं, वही अच्छा है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे हेलो। हेलो सर, 100 साल की उम्र है आपकी। मैं टेरेस पे आके आपको फोन करने वाला था क्लैरिफाई करने के लिए, क्या हुआ इतने में आपका फोन आ गया। सर आई टोटली अंडरस्टैंड, अगर आप चाहें तो अपने पापा के जाने का गम मेरे साथ बांट सकते हैं। कोई बात नहीं, बोलिए सर। कल असल में मेरे पापा झूले पर बैठे बैठे बेहोश हो गए, हमने तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी थी सर। हाँ, आपने वीडियो कॉल पर मुझे दिखाया था आप उन्हें हॉस्पिटल ले गए थे, पर ये तो मैं पहले से ही जानता हूँ। सही कहा सर, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं आपको सब कुछ एकदम शुरू से समझाऊं तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे सर। आई एम सो सॉरी, प्लीज टेल मी, बोलिए। जब हम फोन पे बात कर रहे थे तभी बीच में नर्स ने आकर बैड न्यूज़ दी सर। ये तो मैसेज करके बताया था आपने, मैंने आपको फोन किया था जस्ट टू गिव माय कंडोलेंसेस। हाँ, आपका कंडोलेंस मैसेज आया था, उसके बाद में डॉक्टर ने। वो क्यों आया था? क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है? सर क्या सर? नॉट यू रमेश, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। सर छोटी सी गलती थी सर, और अब तुम्हारे लिए छोटी सी गलती हो सकती है। तुमने अपनी आंखों से क्यों नहीं देखा? और तो और तुमने मुझे उस झूठ पर यकीन दिला दिया जिस पर तुम्हें यकीन था। तुमने मेरी भावनाओं के साथ खेला है, बहुत बड़ी गलती की है। ये तो बिल्कुल मेरी सिचुएशन है। तुम ऐसे आदमी हो जो छोटी छोटी गलतियां करता है, और इसकी क्या गारंटी है कि बड़े प्रोजेक्ट में तुम कोई बड़ी गलती नहीं करोगे? नहीं सर, मैं सर यही तो कारण है, जैसे ही मुझे अपनी गलती का पता चला मैंने आपको मैसेज किया। और यही कारण है कि मैंने तुम्हें मारने की बजाय सिर्फ नौकरी से निकाला है, नहीं तो अभी तक मेरी बंदूक की एक गोली तुम्हारे शरीर में होती। सॉरी रमेश सर। नहीं सर, वो तो कह रहा है कि छोटी सी गलती है सर। मेरे पापा ने छोटे सांप को भी बड़े डंडे से मारना सिखाया। जब मैं मारता हूं तो पक्का करता हूं कि उसे दोबारा ना मारना पड़े। ओके, आयरन रॉड से मारता हूं। वो चाहे छोटा हो या बड़ा, मेरा अपना कोई गलती कर दे तो उसे ऐसी सजा देता हूँ कि यू कैन जस्ट इमेजिन मिस्टर रमेश। आई कैन फील इट सर। एनीवे सर, सॉरी सर, आप क्या बता रहे थे कि नर्स के बाद डॉक्टर ने आकर कुछ कहा था? कुछ नहीं सर, नर्स ने जो खबर हिंदी में सुनाई थी वही खबर डॉक्टर ने इंग्लिश में आकर सुना दी। योर डैड इज नो मोर, अब रखता हूँ सर। ये कहना क्या चाह रहा था, कह क्या रहा है? लगता है बाप के गुजरने के बाद मेंटली डिस्टर्ब हो गया शायद।